तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो। फंडामेंटल राइट्स में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हुए हम लोग अब आ चुके हैं आर्टिकल 22 में, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक्चुअली ये किसका हिस्सा है? समता खंड या जो समता खंड नहीं, स्वतंत्रता खंड, ये जो फ्रीडम सेक्शन है उसका पार्ट है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19, 20 और 21 की बात हम लोग खूब कर चुके हैं अब तक। अब हम लोग आ गए हैं आर्टिकल 22 पर। तो इससे पहले कि हमने सारे पार्ट्स की वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट 10 है या 11 है मैं भूल गया हूँ, उसमें आप लोग देखिए आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं 22 में। ये कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध या नज़रबंदी से सुरक्षा या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस जो है जब मर्जी आए और आपको उठा करके ले जाए, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है, हो सकता है कि आप कोई अपराध करने को उत्सुक हों, अपराध कोई करना चाह रहे हों, है ना, पुलिस को शक है, प्रशासन को शक है कि अगर आपको खुला छोड़ दिया गया तो आपके द्वारा या आपकी वजह से फला अपराध हो सकता है, या आप कोई अपराध कराएं तो पुलिस वालों को ये अधिकार है कि वो आपको अरेस्ट कर दे। नज़रबंदी का मतलब ही अरेस्ट करके आपको हाउस अरेस्ट कर दे या जेल में डाल दे, लॉकअप में डाल दे, हवाला में डाल दे, ठीक है ना। तो अब इन मामलों में पुलिस आप पर अत्याचार ना करे, राज्य आप पर अत्याचार ना करे, प्रशासन आप पर अत्याचार ना करे, उसके लिए आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। ध्यान रखना आर्टिकल 20, 21 और 22 ये बहुत मिले जुले हैं, इनमें अंतर करके रखना। आर्टिकल 20 तो कहता है दोहरे दंड से सुरक्षा के, उसमें क्या है, तय दंड से ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा, दो बार से ज़्यादा मुकदमा नहीं चलेगा, एक बार से ज़्यादा मुकदमा नहीं चलेगा, एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? सीधी सीधी बातें हैं, आप रट लोगे, समझ लोगे तो रट लोगे। अब उसी तरह से आर्टिकल 22 में क्या आया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। फिल्मों देखते हो ना आप, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ रेट बढ़ गई है, हाँ जा वारंट लाए हो क्या, है ना, वारंट लाए, पुलिस में देखते हो ना आप, तो खैर वो फिल्म देखते हो ना, तो फिल्में अलग हैं, हकीकत कुछ अलग ही है ना, हकीकत तो आपको पता ही क्या है ना। तो खैर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा पुलिस वालों को, ठीक है। अगर गिरफ्तारी का कोई वाजिब कारण नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, प्रैक्टिकली ये है कि पुलिस को शक है, मान लीजिए जैसे कि सुरेश, मान लीजिए पुलिस को तुम पर शक है कि तुमने ये काम किया है ना, तो पुलिस वाले तुमको उठा के ले गए, तुम्हें उठा के ले गए, और उसके बाद फिर दोस्तों की शामत भी आती है, पता है ना, हमारे बड़े भाई साहब इसीलिए कहते थे उससे दोस्ती मत करना, उससे दोस्ती मत करना, ज़्यादा दोस्ती मत करना, हाँ बाद में बताया भाई साहब सही कहते थे यार, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दोस्तों की भी शामत आती है, चल भाई तू भी चल, बता कहाँ तक है ना, हाँ भाई पुलिस वाले, देखो पुलिस वाले हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी है ये कि अपराध ना हो, और अगर अपराध होता है तो अपराधी को सज़ा मिले, ताकि वो सज़ा एक नज़ीर मिले, नज़ीर बने, दूसरे लोग अपराध से बचें, है ना। पुलिस वाले तो खुद चाहते हैं कि अपराध ना हो। ओके, कहाँ थे भाई हम, हाँ कहाँ थे, हाँ सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है ना, सुरेश को गिरफ्तार नहीं, सुरेश को हिरासत में ले लिया, उठा के ले गए, है ना। सुरेश के घर वालों को भी पता, यार दोस्त मोहल्ले रिश्तेदारों को भी, सबको ही पता है कि सुरेश को पुलिस उठा करके ले गई है, लेकिन पुलिस नहीं मान रही कि सुरेश को पुलिस ने उठा लिया, पुलिस नहीं मान रही कि भाई हमने नहीं उठाया, हम नहीं पता कहाँ है, हालांकि सुरेश पूरी तरह से पुलिस की कस्टडी में, पूरी हिफाजत में है, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि भाई अगर ये खो गया, उठा के तो हम ही लाए, अगर ये खो गया तो ये तो चला जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले मामले में, इसके घर वाले, इसको ढूंढ के भी हम ही देना पड़ेगा। राजस्थान में एक महिला की हत्या की थी किसी मंत्री ने, समझ रहे ना, हत्या करके नदी में बहा दिया था, बाद में अपराध खुला कि हाँ भाई इस महिला की हत्या इसी ने की है, अब शव नहीं मिल रहा साहब, क्योंकि सब तो सड़गल गया, नदी में फेंक दी लाश, और 6-7 महीने गुजर गए। भमरी देवी हत्याकांड था वो, मुझे याद आ रहा, जिस समय मैं आईएएस की तैयारी करता था उस समय था, तो लाश में भाई साहब एक अंगूठी मिली, अंगूठी, तो ये भाई अंगूठी जो है नदी में से मिली, ये भमरी देवी की है, हाँ भाई भमरी देवी की है, यानी कि भमरी देवी का कोई निशान मिल गया, लाश नहीं मिली क्योंकि लाश तो सड़ गल गई, मछलियाँ खा गई जो भी हो, फिर उसके बाद उस मंत्री को सजा, वास्तव में सजा हुई, पुलिस ने इस तरह से अपना काम किया, इस तरह चार्जशीट लगाई, उम्र कैद हुई उसको, है ना। और बहुत से एक कोई अमरमणि, चलो भाई मुझ पर मानहानि का मुकदमा ना लग जाए, इस नाम को नहीं बोलते हम, आगे चलें, कहाँ थे हैं, गिरफ्तारी के कारण, हाँ तो पुलिस वाले उसे क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं गिरफ्तारी, क्योंकि पुलिस वालों को उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ना भाई, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि सुरेश को उठा लिया, वजह बताओ क्यों उठा लिया, क्योंकि सुरेश ने यह अपराध किया, क्या सबूत है तुम्हारे पास, वकील आ जाएगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास, कोई दूर दूर तक सुरेश तो वहाँ था, आजकल तो है ही ना,
तो अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सुरेश को उठा लिया, पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर लगा कि हाँ भाई सुरेश ने काम किया है, वो पुख्ता सबूत है हमारे पास, इसका प्रथम दृष्टया इसका पुख्ता सबूत हमारे पास है, तो दिखा दिया रिकॉर्ड में कि भाई FIR दर्ज हो गई, इसने ये ऐसा ऐसा, और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, और लगा कि सुरेश भाई निर्दोष है, चल भाई सुरेश को अपने घर जा, है ना। अब बच्चा घर आ गया, लोग शांत हो गए, है ना। तो अब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ठीक, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि आपको अपनी पसंद का वकील दिया जाएगा, है ना। फिल्मों में देखते हो ना, एक सीन आता है हवालात का सीन होता है ना, विलेन जो है, हीरो जो है, वो अंदर है, और इससे पहले के पुलिस वाले पटा लेके, पटा जानते हो, पटा है, पटा जानते हो, है ना, पटे पे अलग अलग सब्जी देखते थे ना, आन मिलो सजना और पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है ना, अरे मजा कर रहे हैं। तो इससे पहले के पुलिस वाले पटा लेके चले उधर को, बेल्ट होती है एक बड़ी चौड़ी सी चमड़े की, है ना, है ना, मेरे पड़ी नहीं है कभी लेकिन जिनके पड़ी है वो बताते हैं ना, तो बड़ी जोरदार तरीके से, इससे पहले कि पुलिस, फिल्मों के सीन है ये, हकीकत में थोड़ी था, हकीकत में हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। तो अरे क्यों हंस रहे हो यार, आपको पता नहीं हमारी पुलिस बहुत बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है हमारी पुलिस। तो कहाँ थे, कहाँ थे, पटे पे थे, पटे पे थे, पटे पे, हाँ पटे पे, इसे बढ़ावा जा रहा है, इसे बढ़ावा जा रहा। तो इससे आप पुलिस वाले चले पटा ले गए, तो पीछे से बैकग्राउंड में एक वकील की एंट्री होती है, और फिर पीछे से तेज म्यूजिक बनता है, डे डे, है ना, विलेन या हीरो चौड़ा हो जाता है, अभी मेरा वकील आ गया, पुलिस वाले वहीं रुक जाते हैं कि भाई ये जमानत हो रही है, वो लेके जा रहे हैं। तो ऐसा फिल्मों में होता, ऐसा फिल्म, हाँ ये बात जरूर है, ज़रूर है कि स्टेशन ऑफिसर को कुछ मामलों में वहीं से जमानत देने का अधिकार है, मुचलका भरवा करके वहीं से जमानत देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा तुम किसी का मर्डर करके आए और तुम्हें ऐसो जो है जमानत दे देगा, ऐसा थोड़ी है कुछ मामलों में। खैर, तो इसका मतलब ये है कि उसे उसकी पसंद का वकील का दिया जाएगा। मान लीजिए आप गए मिलने गए, लेकिन पुलिस वाले आपको नहीं मिलने दे रहे, नहीं मिलने दे रहे, भाई हम अगर हमने तुमको मिलने दिया, मान लो तुमने कोई अपराध किया, किसी हथियार से तुमने कोई अपराध किया, और वो पुलिस वालों को उस हथियार की ज़रूरत है, भाई किसी ने मर्डर किया, डर तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा, किसी ने मर्डर किया, अच्छा ठीक है साहब मर्डर किया, ओके मर्डर किया, भाई किसका मर्डर किया, उसकी बॉडी मिलनी चाहिए, बॉडी मान लीजिए बॉडी है उसने नष्ट कर दी, कोई ना कोई उसका निशान मिलना चाहिए, कोई ना कोई निशान, जैसे अभी भमरी देवी वाले केस में बताया ना मैंने अंगूठी मिली, कोई ना कोई उसका निशान मिलना चाहिए। अच्छा कैसे मारा, गला दबा के मारा, तो उसके गले पे निशान, अब गला, अब बॉडी तो नष्ट हो गई, बॉडी नष्ट हो गई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में तो पता चलेगा भाई दम घुटने से इसकी मौत हुई, गला दबने से मौत हुई, बॉडी नष्ट हो गई, पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा। अब बॉडी मिलती तो गले पे निशान भी होते, पोस्टमार्टम होता पता नहीं साहब, पता नहीं चल रहा है ना। चलो अच्छा अगर गला दबाया है तो किसी रस्सी से, गौरी को डर लग रहा, गौरी कहाँ हो, डर तो नहीं लग रहा, किसी रस्सी से या दुपट्टे से, बेटे आगे जाके कलेक्टर बन के यही चीज़ें, SSP बन के यही चीज़ें तुम्हारे सामने आनी है, किसी रस्सी से, दुपट्टे से, किससे गला घोटा, लाओ वो हथियार लाओ, चाकू से मारा, बंदूक से मारा, कौन सा हथियार है वो लेकर आओ, हथियार बरामद होगा। आप खबरें पढ़ते हो, अखबार ही नहीं पढ़ते, हमारे तो घर अखबार नहीं आता, अखबार पढ़ा करो बेटे, अखबार पढ़ा करो। हमारे गाँव में एक पति था, सुन लो बिल्कुल हकीकत बात, नहीं यार हमारे गांव की बात है, मैं गांव वाले वीडियो देखेंगे, ये बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको पर्सनली बता देंगे, है ना। तो रोकना बेटे, वो बाद में तुम्हें पर्सनली बताता हूँ। तो ठीक है फिर ना, पसंद का वकील भी हमने दे दिया उसे, है ना, उसे उसकी पसंद का वकील दिया जाएगा, ओके। फिर अब जिसको अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि जज के सामने पेश किया जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है ना, पुलिस को शक है कि भाई इसने ये काम किया है, या पूछताछ के लिए पुलिस ले आती है, तो पुलिस अक्सर उसका जो गिरफ्तारी का रिकॉर्ड कुछ समय के लिए दर्ज नहीं करती है। क्योंकि मान लीजिए आज मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आज 5 बजे, तो अगले दिन 5 बजे तक मुझे पुलिस को मजिस्ट्रेट के यानी कि जज के सामने पेश करना होगा, नहीं तो फिर पुलिस से जवाबदेही हो जाएगी। समझे ना, कि आपने इसको गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती इसको नज़रबंद कर रखा है या गिरफ्तार कर रखा है। तो जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस के जज के सामने पेश किया जाएगा। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। बाद में जब रिट पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें बताऊंगा, इसी को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा। अब मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे जमानत दे दे, चाहे तो पुलिस को रिमांड पर दे दे, और चाहे तो जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दे कि चलो भी मुकदमा चलेगा, अब तुम जेल जाओ, आगे देखेंगे तुम्हें जमानत मिलेगी या सजा होगी या रिहा होगी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये देख लेना आप आर्टिकल 22 का 1, 2, 3, 4 किस तरह से हैं, ये देख लेना, ठीक है।
फिर लेकिन उसमें लेकिन शत्रु देश के नागरिकों को ये अधिकार, कौन सा अधिकार, आर्टिकल 22 वाला, शत्रु देश के जो नागरिक हैं उन्हें यह अधिकार मिला हुआ नहीं। ध्यान रखना इसने विदेशी नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, शत्रु देश के नागरिक। अब शत्रु देश के नागरिक कौन है हमारे यहाँ, हमारे घोषित शत्रु देश कौन है, पाकिस्तान और चीन। ध्यान रखना फिर से कह रहा हूँ, विदेशी नागरिक नहीं, शत्रु देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल, हाँ लिखिए आर्टिकल 22 की सुरक्षा, हाँ यही बात जो मैं बता रहा था आपको। अब यहाँ पे यूएपीए जैसे कानून, यूएपीए की फुल फॉर्म क्या हुई, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। आप लोग सुनते हो ना अक्सर इस पे कि भाई महाराष्ट्र में एक कानून है मको का, है ना, मको का, और पूरे भारत में कानून लागू है यूएपीए, कैसा उन पे यूएपीए की धारा लगाई दी गई है, इसलिए अब जल्दी से जमानत होगी नहीं। तो ये जो 24 घंटे वाला मामला है ना, ये आमतौर पर ये जो ये 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना जो है कि उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें विचलन होता है, क्या होता है कैसे होता है आप लोग देख लेना। ठीक है, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए, ये मैं बीच में लिखना भूल गया था, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 21 ए जो है वो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये काफ़ी चर्चित है, राइट टू एजुकेशन, RTE जिसे बोलते हैं आप लोग। इसमें क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दोगे। पहले ये PDP था, अब ये हो गया है फंडामेंटल राइट, कौन से संशोधन के द्वारा, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 जो है ये स्वतंत्रता पर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन या युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते। आर्टिकल 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई है ना वो असीमित नहीं है, वो अनंत नहीं है, है ना, उन पर सीमाएं लग सकती हैं। ये आर्टिकल 19 में आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, बोलने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की, बसने की आज़ादी वगैरह वगैरह, संगम या संघ बनाने की आज़ादी, इन पर रोक भी लग सकती है, कुछ समय के लिए आपसे छीनी जा सकती हैं, पूरी तरह से छीनी जा सकती हैं, कुछ रूप में छीनी जा सकती हैं। इसको हम कहते हैं कि सरकार को यानी कि राज्य को ये अधिकार है कि जो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रताएँ मिली हैं राज्य या सरकार जो है उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन, प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यह है कि सोच विचार के जो उचित हो, मनमर्जी तरीके से नहीं, जो ज़रूरी हो, दूसरे लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो, कुछ रोक लगा सकती हो, मेरी बोलने की आज़ादी पर रोक लगा सकती है। अगर मेरे बोलने की आज़ादी कुछ खास चीज़ों के लिए चिंता पैदा कर रही है तो इस पर रोक लग सकती है, जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, जैसे कि हमारे विदेशों से संबंध है, देश की संप्रभुता है, एकता अखंडता है ना, सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, कानून व्यवस्था है, अगर मिलने बोलने की वजह से उसको दिक्कत हो रही है तो मेरी बोलने की आज़ादी पर रोक लग सकती है। इसे कहते हैं युक्तियुक्त निर्बंधन। आगे इसी पार्ट, अगले पार्ट में मैं इसी चीज़ पर आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो फिर से वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ, ये मैंने बहुत मेहनत की है, पूरे के पूरे बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।